हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ छापड़ा बागची और स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि 64 का क्यूब कितना होता है तो आप सब बता देंगे कि इसका क्यूब होता है 4। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2744 का क्यूब कितना होता है तो ये आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इसका क्यूब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक के लिए आपको 1 to 10 का क्यूब डाई हार्ड याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लें 2744, तो इसका आखिरी डिजिट जो कि 4 है। तो हम यहाँ पे अपने चार्ट में देख लेते हैं कि 4 किसके क्यूब का आखिरी डिजिट है। तो यहाँ पे दोस्तों, 4 का क्यूब होता है 64, उसका आखिरी डिजिट 4 है। तो हम इस 4 को यहाँ लिख लेंगे। फिर दोस्तों, हम आखिरी 3 नंबर को यहाँ से इग्नोर करेंगे, तो बचा हमारे पास 2। तो 2 से कम है, एक नंबर कम वाला ले लेंगे जो कि 1 है। तो 14 आ गया आपका क्यूब। तो एक और ले लेते हैं, जैसे कि 175616, तो इसका आखिरी डिजिट है 6। तो यहाँ पे दोस्तों, 6 के क्यूब 216 है, तो यहाँ पे आखिरी आ गया 6। तो यहाँ पे हम इसलिए आंसर में भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर हम यहाँ से आखिरी 3 डिजिट्स को हम इग्नोर करेंगे, तो बचा हमारे पास 175। दोस्तों यहाँ पे 5 के क्यूब से बड़ा है और 6 के क्यूब से छोटा है, तो हम यहाँ पे छोटा वाला लिखेंगे। तो 5 के क्यूब में आता है 125, तो वो छोटा है इसलिए हम लिख लेंगे 5। तो दोस्तों, कितने भी बड़ा नंबर हो आप उसका क्यूब निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।